हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैन्युअल एजुकेशन। यस गाइस, आपने सही सुना है, जीएलसी मुंबई कैंपस प्लेसमेंट्स इज गोइंग ऑन, राइट। सो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जीएलसी के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो जो जीएलसी में स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, राइट, जो अभी अपने फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम या फिर सिक्स सेम में है, उनके लिए जो प्लेसमेंट्स हैं वो चालू हो चुकी है, काफ़ी टाइम से चल रही है। सो अभी काफ़ी सारे अपडेट्स आए हैं रिलेटेड टू प्लेसमेंट्स। और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका जो टारगेट है लॉ करने का, जिनका जो टारगेट है जीएलसी में एडमिशन लेने का, वो चाहते हैं उनका एडमिशन जीएलसी में ही हो क्योंकि बहुत अच्छा कॉलेज है। बट आज हम देखेंगे कि क्यों वो इतना अच्छा बेटर कॉलेजेस में आता है और किस तरीके के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरीके के प्लेसमेंट्स वहाँ पे मिलते हैं। सो आज हम वो लाइव देखने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको शायद बहुत सारे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, जहाँ पे आपका जो डेडिकेशन है, जहाँ आप मोटिवेशन है, वो और हद तक बढ़ जाएगा कि क्यों आपको जीएलसी में एडमिशन लेना चाहिए। ओके एस्पिरेंट्स, तो हम अभी गवर्नमेंट लॉ वाले जीएलसी के वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आ गए हैं। सो यहाँ पे जो इनका प्लेसमेंट जो है, कैंपस प्लेसमेंट जो है, वो चल रहा है, जहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स हैं। सो हम वन बाय वन थोड़ा सा उसको गो थ्रू करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके के प्लेसमेंट चल रहे हैं। अगर आप जीएलसी में जाते हो तो आपको भी, जब आपका फिफ्थ ईयर या फिर फोर्थ ईयर में आप जब जाओगे, तो आप इस पर्टिकुलर जो कैंपस प्लेसमेंट है इसके लिए एलिजिबल होते हो, और किस तरीके की आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है, वो थोड़ा सा हम लाइव देखने की कोशिश करेंगे जो जीएलसी के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, ठीक है। ओके गाइस, सो देख सकते हो ये सारे कंपनीज के नाम हैं, जो पोस्ट है वो भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, किस कौन सी कंपनी है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है, जॉब रोल्स क्या है, आपके कौन सी पोजिशंस है, राइट, एलिजिबिलिटी क्या है उस पर्टिकुलर पोजिशंस की, ना ज्वाइनिंग आपको कब करना है, डेडलाइन भी दी हुई है। तो ये सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज, हम थोड़ा सा इसको इनडेप्थ देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये कंपनी है डीएसके लीगल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, सो ये कंपनी जो है जीएलसी में ये हायर कर रहे हैं। कौन से पोजीशन के लिए हायर कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इंटर्न। सो इनिशियली जब आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, आप इनिशियली जब आपका कंप्लीट हो चुका होता है, जो अगर एलिजिबिलिटी देखेंगे तो जो बैच ऑफ 2024 है, राइट, जो इनका ग्रेजुएशन जो इनका कंप्लीट होने वाला है, सो वो जो बैच के स्टूडेंट है वो एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोजिशन के लिए, राइट। ज्वाइनिंग है वो इमीडिएटली है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ड्यूरेशन जो है अंटिल ग्रेजुएशन, आप इनके साथ काम करोगे तो आपके ग्रेजुएशन के पहले ही आप जॉब स्टार्ट कर सकते हो, राइट। मोड ऑफ वर्किंग फिजिकल है, तो इन्होंने प्रोसेस दिया हुआ है, क्या प्रोसेस आप उन स्टूडेंट्स को फॉलो करना है जो इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। हम कुछ और कंपनीज के बारे में देखेंगे। जैसे नॉर्मली जो यहाँ पे कंपनीज हैं, इनिशियली वो लॉन्ग टर्म इंटर्न्स को हायर कर रही हैं। तो इनिशियल जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता है, उसके पहले ही फोर्थ सेमेस्टर या फिर फिफ्थ सेमेस्टर में आप एज ए इंटर्न हायर हो सकते हो, राइट। जैसे आप देख सकते हो, अगर हम इसको चेकआउट करेंगे, सो ये जो पोजीशन है बीजी के लॉ एसोसिएट्स एडवोकेट एसोसिएशन, ये जो कंपनी है ये हायर कर रहे हैं। पोजीशंस की बात करेंगे तो एडवोकेट एसोसिएट है, राइट। बैच जो है 21-22 का जो बैच है वो एलिजिबल है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ दिया हुआ है कि क्या आपका जो पोजीशन रहेगा वहाँ पे, जॉब रोल्स वगैरह क्या रहेंगे, ठीक है। सो वो भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हो इसको, तो एक बार गो थ्रू करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। सो बीएचके लॉ एसोसिएट ब्यूटिक लॉ फॉर्म स्पेशलाइजेस बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉर्पोरेट लॉ, रियल एस्टेट, सिक्योरिटी, कंपनी लॉ, दे आर बोथ लिंक्ड टू लिटिगेशन एज वेल एज ट्रांजिशनल प्रैक्टिस। जॉब डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन कॉम्प्लेक्स लीगल केसेस एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू द फर्म्स टीम ऑफ लॉयर्स, ठीक है। सो उनको लीगल, जो ये एडवोकेट एसोसिएट है, इनको कॉम्प्लेक्स लीगल केसेस पे काम करना है, ठीक है। सो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे पोस्ट जो है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कोशिश करते हैं कि अगर जीएलसी में जाएंगे तो क्या जो सैलरी पैकेजेस वगैरह, क्योंकि अभी तक जो हमने देखा है यहाँ पे सैलरी पैकेजेस तो मेंशन नहीं है। बट अगर हम थोड़ा सा और इसको आगे जाएंगे, अगर हम पोजीशंस की बात करेंगे, तो जो पोजीशंस है वो अराउंड, अगर हम टोटल इसको देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 447 पोजीशंस जो है वो खाली है इस पर्टिकुलर जीएलसी जो कैंपस प्लेसमेंट चल रहा है इसमें, ठीक है। सो इतने अपॉर्चुनिटीज आपके पास है तो ऑब्वियसली 100% प्लेसमेंट्स तो मिलना ही है हर एक स्टूडेंट को, तो प्लेसमेंट्स होगा। बट स्टूडेंट्स के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी होंगे कि वो किसके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे और कौन सा जो ऑफर है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पेज फर्स्ट है, अराउंड 56 पेजेस हैं, इन ईच पेजेस देर आर 8 पोजीशंस। अगर हम सेकेंड पे जाते हैं, देखिए भरूचा एंड पार्टनर्स, ये मैनेजमेंट एसोसिएट हायर कर रहे हैं। जो मैनेजर मैनेजमेंट लेवल के जो पोजीशंस होते हैं वहाँ पर, वो काफ़ी बेटर होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन, ये जो है आपका ज्वाइनिंग है वो आपका आफ्टर ग्रेजुएशन होगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं।
देखिए भरूचा एंड पार्टनर्स पोजीशन जो है मैनेजमेंट एसोसिएट एंड नॉलेज मैनेजर बैच ऑफ 2023 आफ्टर ग्रेजुएशन जो ये स्टूडेंट्स का ज्वाइनिंग होगा। लोकेशंस की बात करें देखिए यहाँ पे मेंशंस की हुई है मुंबई न्यू दिल्ली बेंगलोर। जॉब डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ पे इन्होंने इस फॉर्म गूगल फॉर्म में दिया हुआ है, अगर आपको देखना है तो वहाँ जाके आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं वो, बट सबसे इम्पोर्टेंट गाइज सब बहुत बड़ी बात है यहाँ पे जीएलसी में अगर आप एडमिशन लेते हो, अगर आप अच्छी तरीके से अगर आप प्लेसमेंट्स हो जाते हैं तो यहाँ पे देखिए सैलरी पैकेजेस जो है मुंबई लोकेशन के लिए 12 लाख फिक्स पे है प्लस 1 लाख वेरिएबल है। ठीक है, सो आफ्टर ग्रेजुएशन आपके पास 12 लाख पर एनम की जॉब आपके हाथ में हो सकती है। ठीक है, सो इतने लेवल तक का जो पोजिशन है यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स को प्रोवाइड होता है। डेफिनेटली न्यू दिल्ली की बात करें 10 लाख 20,000 फिक्स पे प्लस 1 लाख वेरिएबल, बेंगलोर में अगेन द सेम। ठीक है, सो यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा आपको देखना है किस तरीके से क्या क्या आपके जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। ठीक है, तो ये दो पोजीशंस है जहाँ पे इन्होंने इस तरीके के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है और सैलरी आप देख सकते हो कि 12 लाख। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे पोजिशन है, बहुत सारे कंपनीज हैं जो सिमिलरली इसी तरीके की जॉब रोल्स या फिर इसी तरीके की सैलरी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट, बट दैट इज अ मैनेजमेंट लेवल। देखिए मैनेजमेंट एसोसिएट नॉलेज मैनेजर थोड़े से पोस्ट जो है, तो दैट डिपेंड्स कि आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है, आपने किस तरीके से अपने नॉलेज को ग्रैब किया है थ्रू आउट योर डिग्री, जहाँ पे आपने पूरी डिग्री पढ़ी है उसमें आपने कितना नॉलेज ग्रैब किया है दैट ऑल्सो डिपेंड्स। अगर हम कुछ और कंपनीज की बात करें गाइज, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्यूचर जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारी आती हैं क्योंकि उनको बहुत सारे लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे भी अगेन मैनेजमेंट ट्रेनी जो पोस्ट है पोजीशंस हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जा रही है। थोड़ा सा हम इसको अगर डिटेल्स में चेक करते हैं, पोजीशंस मैनेजमेंट ट्रेनी जो एलिजिबिलिटी है वो बैच ऑफ 2025 है, फिफ्थ सेमेस्टर और एंड थर्ड सेमेस्टर अगर आपका चल रहा है, लास्ट ईयर में हो आप, सो यू आर एलिजिबल फॉर टू परस्यू दिस पर्टिकुलर पोजीशन। सैलरी आप देख सकते हो गाइस, रिमुनरेशन जो है 9 लाख पर एनम फिक्स प्लस 1 लाख जो है आपका एवरेज परफॉर्मेंस बोनस रहेगा, सो वो आपको अलग से वेरी करता है, इट इज वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे उन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स है जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह जो है उन्होंने इसी लिंक में प्रोवाइड करे हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए गाइस ये उनका जो है जॉब डिस्क्रिप्शन है जेडी है, जहाँ पे आपको इन डिटेल आपके पूरे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके क्या रहेंगे, की रिजल्ट एरिया क्या रहेंगे, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड, सो यू कैन चेक आउट इन डिटेल और आपको किस तरीके के जॉब रोल जॉब किस तरीके से करना पड़ेगा, आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे, यू कैन चेक आउट वेरी वेल। सो आपको पता रहेगा अभी से कि आप अगर जीएलसी में एडमिशन लेते हो किस तरीके के जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकते हैं। देखिए जैसे ये कंपनी है इनके जो टाइम है वो एक्सपायर हो गया है, बट इस तरीके के ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको शायद ये पर्टिकुलर जो जॉब पोजिशन है वो फिल हो गई है। जो ड्यूरेशन कुछ कुछ जॉब ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हैं जहाँ पे आपको 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर के लिए दे विल हायर, बट वो बहुत मैटर करता है क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी में आपको जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, सो अभी जैसे CMA CGM है आप शायद जानते होंगे, काफ़ी बड़ी एक्सपोर्ट कंपनी है राइट, तो इनके भी जो है पोजिशंस यहाँ पे ये हायर कर रहे हैं फ्रॉम GLC। साइपन यहाँ पे देख सकते हो 12,000 पर मंथ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इनिशियली कम है, बट अगेन अगर आप ये इतनी बड़ी कंपनी से अगर आप एक्सपीरियंस लेते हो देन वो आपके जो प्रोफाइल के लिए काफ़ी बेटर होता है, आपकी प्रोफाइल के लिए काफ़ी बेटर हो सकता है। ठीक है, सो गाइज ऐसे ही अराउंड 447 जो पोजीशंस हैं वो ओपन हैं, बट गाइज आपको जब GLC में आपको एडमिशन्स लेने के लिए आपको जो प्रिपरेशंस हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, आपको कट ऑफ है वो काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो गाइज इफ़ यू आर रियली नाउ, अब ये बहुत अच्छा चांस है, एक बहुत अच्छा रीज़न हो सकता है आपके लिए कि आप GLC के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अभी से, आपको किसी भी तरीके से GLC ही जाना है, ये आपका गोल होना चाहिए, एंड फॉर दैट मैन्यूवर इज देयर टू हेल्प यू। सो टू गेट काउंसलिंग आपको और इन डिटेल आपको चाहिए आप किस तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर आपको मैन्यूअल से कोचिंग चाहिए देन यू कैन कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर 8828-1455। एंड ऑल्सो अगर आप लॉ एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो देन डेफिनेटली आप हमारा मैन्यूअल लॉ एंट्रेंस का जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, वहाँ पे आपको लॉ एंट्रेंस के रिलेटेड सारे जो एग्जाम अपडेट्स हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, एवरीथिंग वी शेयर ऑन दिस दैट पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल, सो काइंडली सब्सक्राइब दैट यूट्यूब चैनल एज वेल, जहाँ पे आपको पर्टिकुलरली लॉ के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आपको मिलेंगे ऑन डेली बेसिस। इफ यू आर इन मुंबई एंड इफ अगर आपको हमारे क्लासरूम विजिट करना है देन ऑल्सो विजिट आवर वसई दादर एंड बोरीवली सेंटर, इस नंबर पर आप कॉल करके आप सेंटर विजिट कर सकते हो। एंड हमारे जो बैचेस हैं गाइज वो बैचेस लॉन्च हो गए हैं, न्यू बैचेस टू टारगेट GLC मुंबई,
So for that, if you are targeting it, we have video lectures, mock tests, books, mentorship strategy, and more. Bahut sari study materials we also have on our website. So kindly do call in this number. So kindly do call on this particular number and start your preparations. All the best, guys. Thank you so much for now. See you in the next video.